हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली वेलकम टू डीवा क्लासेज दिस इज दिव्या वाधवानी और इंग्लिश टीचर टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट द टेम्पेस्ट एक्ट फोर सीन वन पार्ट टू इन विच वी विल स्टडी हाउ प्रस्पेरो विद द थ्री कॉन्स्पिरेटर्स कैलिबान ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो ओके एंड वील ऑल्सो सी द रोल ऑफ एरियल कि एरियल का इसमें क्या रोल है दैट हाउ ही एरियल विथ द हेल्प ऑफ अदर इस्पिरिट्स अदर मिसचिवियस इस्पिरिट्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स एंड हाउंडस कैसे वो उनको चेस करते हैं कैलिबान को एंड ब्रिंग दैम एक प्रेन्स एंड क्राम्स मतलब उनको बहुत सारे पेंस ले करके आते हैं उनके लिए उनको बहुत सारा टॉमेंट करते टॉर्चर करते ओके okay, तो दिस वी विल स्टडी प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि फर्डिन एंड मिरांडा व मैरिड देवर एंगेज देवर मैरिड ओके okay, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि मतलब बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं दो दोज हु कम इन द फॉर्म ऑफ आयरिस सेरेस एंड ज्यूनो एंड अदर रीपर्स एंड निम्स तो ये सब आती हैं और वहाँ पर एक मास्क मैस्क्यूरेट शो करती हैं और उसके बाद सडनली प्रस्पैरो सब चीज़ों को बंद कर देता है बिकॉज ही इज़ रिमाइंडेड कि उसको जो भी तालिबान के प्लॉट्स हैं उनकी जो भी कॉन्स्पिरेसी है षडयंत्र है उसको उनको कैसे डील करना है तो दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे एक्चुअल में उसको डील करेगा ओके okay. तो दिस इज वेयर एंटर सर्टेन सर्टेन रीपर्स ये हम लोग ने पिछले पार्ट में पढ़ा था प्रॉपरली हैबिटेड जो वहाँ पर रहते हैं एंड दे जॉइन विद द निम्स इन द ग्रेसफुल डांस और वो निम्स के साथ ग्रेसफुल डांस करते हैं रीपर्स एंड निम्स बोथ ये हमने प्रीवियस पार्ट में नहीं पढ़ा था कुछ नहीं समझ में आया प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एल्स यू कैन मैंशन इन द कमेंट बॉक्स टूवर्ड्स द एंड वेयर ऑफ प्रस्पेरो स्टार्ट सडनली उसके बाद उसको अचानक से याद आता है और वो बोलता है आफ्टर विच टू स्ट्रेंज हॉलो एंड कन्फ्यूज नॉइज दे हैवली वैनिश और उसके बाद कुछ नॉइज़ होती है और ये सब के सब गायब हो जाते हैं तो प्रस्पेरो असाइड मतलब वो अपने से खुद से बात करके कहता है कि आई हैड फोगॉड दैट फाउल कॉन्स्पिरेसी वो जो कॉन्सपिरेसी मीन्स षडयंत्र कॉन्स्परेटर्स मीन्स षडयंत्रकारी ठीक है तो फाउल कॉन्स्परेसी ऑफ बीस्ट कैलिबान एनिमल बी एनिमल कैलिबान मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है इनह्यूमन होता है तो उसने कैलिबान ने ये कॉन्स्परेसी की थी वो प्रस्पैरो को याद आ जाती है एंड उसके कॉन्सपे कॉन्फेडरेट्स मीन्स उसके जो फेलो कॉन्सपेटर्स थे उन सब ने मिल के अगेंस्ट माई लाइफ हुज लाइफ प्रस्पेरोज लाइफ द मिनट ऑफ देयर प्लॉट इज ऑलमोस्ट कम और उनके जो प्लॉट का जो टाइमिंग था कि जिस टाइम बोलोगे काम करेंगे वो बस आ ही चुका है स्पिरिट से वो कहता है स्पिरिट्स को, को वो कहता है इवन दो तो स्पिरिट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट उसको बोलता है टू द स्पिरिट्स वेल डन अवॉइड नो मोर एंड नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू ऑल टू गो आपने बहुत अच्छा किया थैंक यू एंड यू में लीव तो फर्डिनेंट कहता है ये बहुत ही स्ट्रेंज है मतलब बहुत ही अचानक से कोई अच्छा खासा फंक्शन चल रहा हो उसको सडनली बंद कर दो तो ऑब्वियसली फर्डिनेंट पूछता है दैट योर फादर इन सम पैशन मीन्स ही इज़ इन सम एंगर और सम इमोशनल स्टेट दैट वर्क्स ऑन हिम स्ट्रांगली जिसका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है मिरांडा कहती है अभी तक आज तक नेवर टिल दिस डे सो हिम टचड विद एंगर सो डिसटेम्पर्ड मीन्स उसको उनको अपने मिरांडा कहती है कि मैंने प्रोस्पैरो को अपने फादर को कभी इतना टेंस्ड इतना एंशियस इतना एंगर में नहीं देखा है वो एंगर जो उनके ऊपर जिसके ऊपर प्रोस्पैरो कंट्रोल ना पा पा रहा हो ठीक है फिर प्रस्पैरो कहता है यू लुक यू डू लुक माई सन इन अ मूव्ड सॉट कि आप हो सकता है कि जस्ट बिकॉज प्रोस्पेरो फर्डनेड ऑफ मिरांडा से कहते हैं फर्डनेंड से यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपसेट हो गए हो यू डू लुक माई सन इन अ मूव्ड सॉर्ट इन सम वॉट अपसेट मैनर आप ऐसे दिख रहे हो मुझे कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो एंड एज इफ़ कि आप बहुत ज़्यादा शॉकड हो क्यों क्योंकि आपका जो फंक्शन था मैरिज फंक्शन वो मैंने सडनली स्टॉप कर दिया इवन दो देवर मैरिड उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी जितनी भी गॉडेसेस आई थी स्पिरिट्स जो कि गॉडेसेस के फॉर्म में आई थी बट फिर भी उसके बाद वो फंक्शन ओवर हो गया बी चेयरफुल बी हैप्पी सर यहाँ पर वो रीज़न बताएगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ आर रेवल्स नाउ आर एंडेड और मेरा जो मेरी मेकिंग है वो खुशी है वो भी ख़त्म हो गई है ये सब एक्टर्स थे ऑब्वियसली वो उनको थोड़ी ना बताएगा कि कैलेबान आ रहा है मुझे मारने के लिए दे आर मैरिड कपल ना तो अभी मतलब अपने बच्चों को वो क्यों टेंशन देगा तो वो ये रीज़न बताता है उनको कि वो सब एक्टर्स थे मैंने पहले भी बताया कि ये सारे जो थे ये सब स्पिरिट्स थी ठीक जो कि मेल्टेड इनटू द एयर दोज ऑल हैव मेल्टेड इनटू द एयर जैसे आपने बहुत सारे मूवीज़ में इवन ऐसे ही कभी भी देखा होगा धूप इन सेंस कि पिक्चर्स में और टीवी में आपने देखा होगा कि स्पिरिट्स होती हैं वो एकदम हवा में जैसे मिक्स होकर के गायब हो जाती हैं तो दे हैव मेल्टेड इन टू एयर इंटू दिस थिन एयर ये जो हवा है उसमें वो लोग मिक्स हो गई हैं एंड लाइक द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन लाइक द इनविजिबल ड्रीम लाइक विजन जो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट बिकॉज कि इवन दो देवर इनविजिबल बट फिर भी वो हम लोगों को, को दिख रहा था ये स्पिरिट्स जो थी वो दिख रही थी द क्लाउड कैप्ड टार्स मतलब वो कह रहा है कि जैसे कि ये स्पिरिट जो हैं वो गायब हो गई वैसे ही जैसे कि जो क्लाउड कैप्ड टार्स होते हैं जो क्लाउड तक पहुंचने वाले जो लंबे लंबे से टावर्स होते हैं पैलेसेस सुंदर सुंदर पैलेसेस होते हैं होली टेम्पल्स होते हैं बहुत ऊँचे ऊँचे होली टेम्पल्स होते हैं द ग्रेट ग्लोब इट्सल्फ मीन्स द ग्रेट वर्ल्ड इट्सल्फ़ ये ऑल विच इट इन्रिट और ये पूरा वर्ल्ड के अंदर भी जो सारी चीज़ें आती हैं वो भी एक दिन डिज़ोल्व हो जाएगा ये स्पिरिट्स वैसे ही डिज़ोल्व हो गई हैं जैसे कि ये जो बड़े बड़े पैलेसेज हैं टार्ज हैं टेम्पल्स हैं ये सब भी एक दिन और ये पूरा वर्ल्ड एक दिन डिज़ोल्व हो जाएगा एंड लाइक दिस इनसब्सटैंशियल पेगेंट फेडिड और जैसे कि ये जो इनसब्सटैंशियल समथिंग दैट इज़ अन रियल ऑब्वियसली वो पूरा एक छलावा ही था इट वॉज़ नॉट रियल ठीक तो वो जैसे करके फेड हो गया है वैसे ही ये भी ये शो भी ये शो भी जैसे फेड हो गया है वैसे वो भी फेड हो गए हैं हो जाएंगे लीव नॉट अ ट्रेस बिहाइंड और वैसे ही लाइक दोज थिंग्स क्ला मतलब दोज थिंग्स द टार्ज टेम्पल्स ये सब एक दिन एक जो पूरा वर्ल्ड एक दिन मर्ज हो जाएगा अपना एक भी क्लू नहीं छोड़ेगा सिमिलरली जो स्पिरिट्स थी वो भी यहाँ से जा चुकी हैं दे ऑल हैव फेडिड एंड देव नॉट लेफ्ट अ शो दे हैव नॉट लेफ्ट अ ट्रेस एक क्लू भी कतरा भी बीच में नहीं छोड़ा है उन्होंने पीछे वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन और हम लोग वैसे ही हैं जैसे कि ड्रीम्स होते हैं जो बने होते हैं एंड आर लिटिल राइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप एंड व्हेन वी विल डाई वी विल गो टू दैट इटर्नल स्लीप हम लोग भी उस सपने के जैसे ही बने हैं कि जब वो सपना मीन्स वी आर सच स्टफ मेड ऑफ ऑफ ड्रीम्स और हम लोग की ये जो लाइफ है इट विल गेट ओवर वैन वी विल गो टू दैट इटर्नल स्लीप हम लोग एवर लास्टिंग स्लीप में चले जाएंगे सर आई एम अनॉयड बियर विद माई वीकनेस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ प्लीज़ बी पेशेंट विद दिस वीकनेस ऑफ माइंड माई ब्रेन इज़ ट्रबल्ड अभी मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ थोड़ा परेशान हूँ ठीक है बी नॉट डिस्टर्बड विद माई इन्फर्मिटी कि और मेरी इस कमी के कारण आप लोग परेशान मत होइए इफ़ यू प्लीज इफ़ यू लाइक रिटायर इन टू माई सेल आप लोग मेरे सेल में चले जाइए बी देर बी इन माई रूम देर एंड वहाँ पर यू कैन रेस्ट बोथ ऑफ यू कैन रेस्ट टर्न अ वॉक टर्न ऑफ टू आई वॉक कुछ थोड़ी देर में एक दो चक्कर करूँगा कह लूँगा थोड़ा सा टू स्टिल माई बीटिंग माइंड कि मेरा ये जो माइंड इतना बीट कर रहा है परेशान है जो उसको मैं थोड़ा सा शांत करने के लिए थोड़ा सा टहलूंगा तो फर्डिनेंड एंड मिरांडा कहते हैं वी विश यू पीस एंड वी विश यू कि आपको भगवान शांति दे मतलब मन की शांति दे देन दे बोथ लीव फर्डिनेंड एंड मिरांडा लीव प्रस्पेरो है वहाँ पर प्रस्पेरो कॉल्स एरियल प्रस्पेरो कहता है कम विद अ थॉट आई थैंक दी एरियल कम वो कह रहा है कि कम लाइक यू हैव मीन्स यू आर अ थॉट ऐसे करके आओ जैसे मेरे दिमाग में एक थाट के जैसे आते हो एंड आई थैंक यू एरियल कम एरियल आता है एरियल सेज दाई थॉट्स आई क्लीव टू एंड आई एम स्टिक टू योर थाट्स आई एम क्लोजली फॉलोइंग योर थाट्स वट्स दाई प्लेजर वट है मीन्स वट यू वट डू यू लाइक टू हैव प्रस्पेरो कहता है वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट कैलेिबान हम लोग को कैलिबान से मिलना चाहिए कैलिबान कौन है प्रस्पेरोज स्लेव एंड ऑल्सो द सन ऑफ साइकोरेक्स जो बहुत ही ग्रम्पी लगता है ठीक अगर बीच में कुछ भी इशू होता है केस क्लास ट्वेल्थ आपको डायरेक्टली <laughs> आपको डायरेक्टली एक्ट फोर और फाइव ही पढ़ना है तो केस आपको थोड़ा सा भी इशू होता है या थोड़ा सा भी भूल सकते हो कि कौन कैसा दिखता है तो यू कैन सी दैट टेम्पेस्ट कैरेक्टराइजेशन प्लेलिस्ट में उसको ढूंढना वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी ठीक है तो वो प्रस्पेरो कहता है कि हमको क़ैलेबान से मिलना चाहिए एरियल कहता है ए माय कमांडर यस वी विल मीट जैसा बोले मेरे कमांडर माय यू आर माय हेड वेयर आई प्रेजेंट व्हेन आई प्रेजेंटेड सैरस जब मैंने आपको सैरस को इंट्रोड्यूस किया था सैरस द गॉडस ऑफ एग्रीकल्चर जो कि एक स्पिरिट थी और यहाँ पर एक गॉड बनकर गॉडस बनकर आई थी उसको मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था उस टाइम पर आई थॉट टू हैव टोल्ड दी मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ सॉरी बट आई फील बट मुझे डर लगा था दैट इट माइट एंगर यू दैट यू शुड हैव बीन एंगर्ड आपको गुस्सा आ जाता आप एनॉयड हो जाते अगर हमने आपको उस टाइम पर बता दिया होता तो प्रोस्पेरो कहता है से अगेन फिर से बताओ वेयर डिट्स दाव लीव दीज वारलेट्स और मुझे फिर से बताओ कि कहाँ पर आपने उन रास्कल्स को छोड़ दिया है तो यहाँ पर वो बताते हैं नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि ये भी एक लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि एरियल ने कैसे इन लोगों को परेशान किया था ठीक है आई टोल्ड यू सर देवर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग वो कैसे थे देवर रेड हॉट मीन्स जस्ट बिकॉज की उनका जो देवर फ्लश्ड विद ब्लड फेस पे उनके चीक्स उनके बहुत ज्यादा रेड हो गए थे सिंस दे है ड्रेवर ड्रंक सो फन ऑफ वेलर दैट दे इस्मो द एयर और उस टाइम पर वो अपनी ब्रेवरी को इतना ज़्यादा फन में ले रहे थे जैसे वेलर मीन्स फन तो वेलर मीन्स ब्रेव तो वो अपनी ब्रेवरी को इतने ज़्यादा मजाक में ले रहे थे दैट दे स्मोट द एयर फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेसेस क्योंकि ये तीनों स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो एंड कैलेबान आपने एक्ट थ्री में पढ़ा था कि वो तीनों ड्रंक थे ठीक एंड दे हैड प्लॉटेड अगेंस्ट प्रस्पैरो तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में उन्होंने ड्रिंकिंग करने के कारण दे वॉट देवर डूइंग देवर इज स्ट्राइकिंग विद देअर शॉर्ट्स देवर इज स्ट्राइकिंग इन द एयर जस्ट बिकॉज की ये जो हवा है वो उनके फेस पर ब्रीद कर रही है किसी के सामने सांस ले लो तो वैसे ही मतलब देवर नॉट इन देर सेंसेस उनके कहने का सेंस ये एरियल के कि वो अपने दिमाग में नहीं थे और वो क्या कर रहे थे वो ऐसे करके ब्रीद कर दे रहे थे एयर उनके ऊपर ब्रीथ कर रही थी और इसीलिए वो लोग सॉर्ड्स अपनी उसके ऊपर चला दे रहे थे देवर बीटिंग द ग्राउंड फॉर किसिंग देअर फीट ग्राउंड पर एक जोर से अपने पैर से टैप करना तो वॉट देवर डूइंग देवर टैपिंग देअर फीट ग्राउंड को वो लोग मार रहे थे पिट्टो पिट्टो कर रहे थे उनकी क्योंकि दीज ग्राउंड वर किसिंग देअर फीट ठीक है येट ऑलवेज बेंडिंग टू वर्ड्स देयर प्रोजेक्ट बट फिर भी इतने ये लोग उस टाइम पर सेंस में नहीं थे बट फिर भी दे हैट सो मच वेलर दे हैड सो मच ब्रेवरी और इतना वो लोग इंटेंड हो रहे थे बार बार अपने प्लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक है देवर बेंडिंग टू वर्ड्स देअर प्रोजेक्ट मीन्स जो भी उन्होंने प्लॉट किया था अगेंस्ट प्रोस्पैरो के लिए देन आई बीट माई टैबर ड्रम तो हम हाँ उन्होंने उसने एरियल ने किया कि अपना ड्रम ऐसे करके बजाया और उसके कारण जो म्यूजिक बजी उससे एट विच दे लाइक अनबैक्ड कॉल्स ऐसे जैसे कि कोई अनट्रेनड यंग हॉर्सेज होते हैं उनके जैसे ये लोग बहुत ही वट दे डिड दे पियर प्रीक्ड देअर ईयर्स जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं कान में तो दिस इज योर प्रीकिंग ऑफ ईयर तो कोई सम सॉर्ट ऑफ प्यर्सिंग या होल करना ये ये वाला नहीं कि उसमें कुछ ज्वेलरी पहनने वाला ऐसे ऐसे करके जब हम लोग करते हैं सुनने के लिए कि क्या क्या बोल रहे हो तो वैसे दे द ऑल थ्री कैलेबान ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो ऑल थ्री प्रीक्ड देयर ईयर्स एडवांस्ड देयर आईलेट्स अपनी आईलेट्स उन्होंने बड़ी करके देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है लिफ्टेड देयर नोज टू एज दे स्मेल्ट म्यूजिक सूंघने के लिए कि कहाँ से उनको आवाज आ रही है सो आई चार्म देयर ईयर्स इसीलिए मैंने उनके जो ईयर्स हैं उस पर अपना जादू किया आई चार्म देयर ईयर्स दैट काफ लाइक जो कि दे माय लविंग फॉलो लोइंग फॉलोड और उन्होंने क्या किया एक छोटी यंग काव जैसे एक यंग काव होती है वो भी अपना जो मदर काओ होती है उसके पीछे 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 पीछे, पीछे चलती जाती है ये चीज़ नोटिस की होगी तो Uh, वैसे ही जो मतलब काव का ये जो बच्चा होता है तो वैसे ही वो भी मेरे साउंड के दैट आई चार्म्ड देयर ईयर्स दैट काफ लाइक दे माय लोइंग दे व्हाट दे डिड दे फॉलोड माय साउंड थ्रू टू ब्रायर्स कैसे जहाँ पर बहुत सारे बुशेस थी ऑब्वियसली झाड़ियाँ शार्प थॉनी फर्जेस थे मीन थॉनी कांटे वाले प्लांट्स थे वहाँ पर प्रिकिंग श्रप्स थे चुभने वाले झाड़ियाँ थी, ग्रासेस जैसी थॉर्न्स थे अगेन वही कांटे थे वहाँ पर ठीक मतलब इन सब झाड़ियों से और कांटे वाले जो पेड़ होते हैं इन सब जगहों से वो लोग घूम घूम करके उस साउंड को सुनते हुए वो कहाँ पहुँचे विच एंटर्ड देयर फ्रेल शिन्स और जो ये जो झाड़ियाँ और कांटे थे ये उनके वीक लेग्स शिनस लोअर पार्ट ऑफ लेग्स तो पैरों में वो उनके चुभ गए एट लास्ट आई लेफ्ट देम और लास्ट में मैंने उनको छोड़ दिया कहाँ पर इन द फिल्दी मैंटल्ड पूल डर्ट गंदा दलदल जैसा जो डर्ट कवर्ड पूल होता है वहाँ पर मैंने उनको छोड़ दिया पूल मीन्स दिस असली सम सॉर्ट ऑफ पॉन्ड ठीक है छोटा सा तो वहाँ पर मैंने उनको छोड़ दिया छोटा सा मतलब इन द सेंस बियॉन्ड योर सेल आपके सेल के थोड़ा सा उस पार देयर डांसिंग अप टू द चिंस मींस दे वर डिब्ड टू द चिंस यहाँ तक वो गंदे मिट्टी के पानी में डूबे हुए थे दैट द फाउल लेक ओवर स्टंक देअर फीट जितना स्मेल उनके फीट से आ रही थी उससे ज़्यादा वो फाउल लेक की स्मेल थी स्टिंक मीन्स स्मेल करना बैड स्मेल फाउल स्मेल और उस स्मेल को जो लेक था उसने ओवरटेक कर दिया था उसकी स्मेल ज़्यादा हो गई थी एज़ कम्पेयर टू देअर फीट ठीक है आप एग्ज़ाम्पल के लिए ये देख सकते हो कि दीस थ्री आर देर ये तीनों हैं ये रहा एरियल जो अपना ड्रम गाना गाना बाजा, बाजा बाजा बजा रहा है वो वहाँ पर ठीक तो ये लोग वैसे ही करके डूब गए उसमें और उसके बाद एरियल जो है वहाँ से भाग गया प्रसपैरो कहता है दिस वॉज़ वेल डन ये तुमने बहुत अच्छा काम किया माई बर्ड एरियल uh, uh, दाई शेप इन विजिबल रिटेन दाउ स्टिल अभी भी अपने शेप को इन विजिबल ही रखो किसी को मत दिखने दो द ट्रम्परी इन माई हाउस वो जो अट्रैक्टिव गार्मेंट्स हैं मेरे हाउस में शिमरी से ग्लिटरी से उनको गो ब्रिंग इट हदर उनको यहाँ लेकर के आओ फॉर स्टील टू कैच दिस चीज़ ये जो चोर हैं चोर चक्के या बुरे लोग हैं उनके लिए ये लेकर के आओ जहाँ पर मतलब ये स्टेल है क्योंकि ये उनको टेम्प्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा और ये मेरे लिए एक जाल के जैसा है उनको पकड़ने के लिए तो एरियल जाता है एग्जिट कर जाता है प्रोस्पेरो प्रस्पेरो कहता है अ डेविल बोर्न अ डेविल बॉर्न डेविल मतलब कि uh, कैलिबान के लिए वो कह रहा है प्रोस्पेरो कि वो एक डेविल ही है एक बॉन्ड डेविल है मतलब मैं उसको जितना भी सिखा लूँ वो वैसा ही रहेगा शैतान ही रहेगा वो ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक जिसके डिवलिश नेचर कैन नेवर बी ओवरकम बाय नर्चर मैं जितना उसको पाल पोस कर बड़ा कर लूँ उसकी केयर कर लूँ बट प्रोस्पैरो कि उसका जो नेचर है वो हमेशा उसके ऊपर हावी ही रहेगा मैं जो सिखा लूँ वो कभी भी गुड वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ कभी भी कैलिबान के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि उसका नेचर उस पर बहुत ज़्यादा हावी है ठीक है तो ऑन होम माई पेंस मैंने जितना भी उसके लिए किया वट एवर हार्डवर्क आई डिड ह्यूमनली टेकन दैट व हार्डवर्क दैट आई डिड मैंने उनको उसको पढ़ना लिखना सिखाया बात करना सिखाया तो ये जितने भी चीज़ें थी नोबल मोटिव के कारण थी ऑल ऑल लॉस्ट सब के सब वेस्ट हो गई हैं सबके सब क्वाइट लॉस्ट हो गई हैं एंड एज विथ एज हिज बॉडी अग्लियर ग्रोज जैसे ही एज के साथ उसकी बॉडी अगली होती जा रही है वैसे ही उसका जो दिमाग है उसमें भी जहर भरता जा रहा है इट सो हिज़ माइंड कैंकर्स आई विल प्ले दैम ऑल मैं उन सबको टॉर्चर करूँगा परेशान करूँगा इवन टू रोरिंग तब तक जब तक वो लोग दर्द से चीखने चिल्लाने ना लगे रोरिंग का मतलब यहाँ पर वो शेर का घुराना नहीं है यहाँ पर है कि दे वुड क्राई विद पेन एरियल आता है बहुत सारे ग्लिस्टरिंग आ, अपेरल्स लेकर के मतलब लंबे लंबे से सुंदर सुंदर चमकीले कोट्स लेकर के आता है तो प्रोस्पैरो कहता है कम हैंग देम ऑन दिस लाइन ये जो जगह बनी है यहाँ पर उसको टांग दो प्रोस्पैरो और एरियल इनविजिबल रहते हैं वहाँ पर उस टाइम पर कैलिबान स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो आते हैं ऑल थ्री आर वेट कैलिबान कहता है प्रे यू ट्रेड सॉफ्टली धीमे चलो वॉक धीमे धीमे दैट द ब्लाइंड मोल में नॉट हेयर अ फुट फॉल सो दैट कि ये जो ब्लाइंड मोल है यहां पर प्रस्पैरो के लिए कहा गया मोल इज एन स्मॉल एनिमल वो जैसे दिखता नहीं है तो वैसे ही प्रस्पैरो जस्ट बिकॉज कि वो सो रहा है तो अभी ही इज अनेबल टू सी एनी थिंग वो कुछ नहीं देख सकता तो इवन हियर द फुटफॉल तो प्रोस्पेरो जो कि सो रहा है वो हम लोग के कदमों की आवाज़ भी ना सुन सके हम लोग उसके सेल के बिल्कुल ही करीब हैं ठीक है जो भी उसका एरिया था उसके जस्ट हम लोग करीब हैं स्टीफेनो कहता है मॉन्स्टर योर फेयरी तुम्हारा जो फेयरी था परी परपरा था एरियल विच यू से इज़ अ हार्मलेस फेयरी जो कि तुम कहते हो कि वो एक हार्मलेस नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम लोग को उसने क्या किया इट हैज़ डन अ लिटिल बेटर दैन द रो द जैक विद जैसे कि एक जैक करता है दिस इज़ सॉर्ट ऑफ जैक इसकी स्टोरी आप लोग पढ़ लेना मैंने पढ़ी मुझे तो समझ में नहीं आई ठीक है तो जैसे कि ये सब होते हैं मीन्स ये हेलोइन के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं तो जैसे कि इन लोग ने नुकसान पहुँचाया एक विलन हम लोग को नुकसान पहुँचाता उससे थोड़ा सा ही कम बेहतर उसने हम लोग को नुकसान पहुँचाया मीन्स दे आ, एरियल के कारण ही वो लोग इतने मिट्टी वाले पानी में चले गए वो लोग यहाँ तक भीग गए उनके कपड़े गंदे हो गए तो वही वो कह रहा है स्टीफेनो कहता है डू यू हियर मॉन्स्टर क्या तुम सुन भी रहे हो इफ़ आई शुड टेक अ डिसप्लेजर अगेंस्ट यू अगर मैं तुम पर गुस्सा हो गया लुक यू तो तुम ज़रा इस सब चीज़ों से संभल करके रहो बिकॉज स्टीफेनो वॉज एंग्री ट्रिंक्यूलो कहता है दाओ वर्ड बट अ लॉन्स लॉस्ट मॉन्स्टर मौ, तुम जो है तुम एकदम खोए खोए लग रहे हो यू आर देन यू वुड बी अ लॉस्ट मॉन्स्टर और तुम बिल्कुल ही गुम जाओगे अगर स्टीफेनो जो है वो गुस्सा हो गया कैलिबान कहता है गुड माय लॉर्ड माय डियर लॉर्ड गिव मी दाई फेवर अभी भी मेरे ऊपर रहम खाओ शांत रहो बी पेशेंट फॉर द प्राइज़ आई एल ब्रिंग दी क्योंकि जो हम तुम्हारे लिए प्राइज लेकर गिफ्ट लेकर के आएँगे ऑब्वियसली आई विल वेन प्रसपेरो विल भी डेड आई एल गिव यू दिस होल सेल दिस होल आईलैंड आई एल ब्रिंग दी शैल हुड विंक दिस मिस चांस जो भी बुरी चीज़ें हम लोग के साथ अभी हुई हैं वो उसको ओवरटेक कर लेगी कंपनसेट कर लेगी उसका मुआवजा दे देगी क्योंकि हम लोग को ये पूरा आइलैंड मिल जाएगा तो जितनी भी अभी हम लोग को दिक्कत हो रही है भीग जाना अपनी बॉटल्स वहाँ छोड़ाना तो वो सब चल जाएगा अभी के लिए देयर फोर स्पीक सॉफ्टली इसीलिए धीमे धीमे से बात करो ऑल हर्स्ट एज मिड नाइट ये सब कुछ शांत है और सब शांत रहो क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा मिड नाइट है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा है कुछ भी बोलोगे ज़ोर ज़ोर से सुनाई पड़ेगा ट्रिंक्यूलो कहता है बट टू लूज आर बॉटल्स इन द पूल बट हम लोग की बॉटल्स जो पूल में छूट गई उसका क्या करें स्टीफेनो देयर इज नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर इन दैट बट एंड इन फाइनाइट लॉस बट ये बॉटल्स का वहाँ पर खो जाना ही इज टॉकिंग अबाउट द वाइन बॉटल्स ठीक है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर स्टीफेनो किस की बात कर रहा है तो ये जो इनफाइनाइट लॉस है क्या लॉस था कि वो अपनी बॉटल भी वहाँ पर छोड़ा था ये ना ही डिसरिस्पेक्ट है मतलब ना कि सिर्फ डिस डिसरिस्पेक्ट नहीं है उसमें हम लोग को उससे भी बड़ा लॉस हुआ है तो ट्रिंक्यूलो कहता है दैट्स मोर टू मी दैन माई वेटिंग और मुझे मेरे भीग जाने से ज़्यादा बुरा है ये मेरे लिए और तुमने कहा था कि वो हार्मलेस मॉन्स्टर है एरियल के लिए हार्मलेस फेयरी है ठीक है तुम और तुम कह रहे थे कि वो एरियल हामलेस है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखो उसने क्या कर दिया हम लोगों को तो स्टीफेनो कहता है स्टीफेनो कहता है आई विल फेच ऑफ़ माय बॉटल मैं जाऊंगा उनको ले कर के आऊँगा दो आई बी ओवर ईयर्स फॉर माय लेवर भले ही मैं उस डर्टी वाटर में अपने कान तक क्यों ना डूब जाऊँ बट फिर भी मैं अपनी बॉटल्स को वहाँ से वापस ले के आऊँगा तो कैलिबान कहता है कैलिबान से स्प्रदी आई रिक्वेस्ट यू माई किंग प्लीज बी क्वाइट शांत बैठो वहाँ पर देखो दिस इज द माउथ ऑफ द सेल ये उसके एरिया का माउथ है मीन्स गेट है नो नॉइज शांति रखो और हम लोग अंदर जाते हैं डू दैट गुड मिसचीफ चलो हम लोग वो अच्छा जो बुरा कर्म है उसको मारने का पुरस्पैरों को मार देने का वो हम लोग करते हैं विच विल मेक दिस आइलैंड दाइन ओवर फॉर एवर और फिर तुमको मतलब ये जो आइलैंड है वो तुम्हारा हो जाएगा एंड आई दाई क्यालिबान और मैं तुम्हारा क्यालिबान विल बी दाई फुट लेकर और वो तुम्हारा फॉर एवर स्लेव बन जाएगा मतलब कि मैं तुम्हारा फॉर एवर स्लेव बन जाऊँगा स्टीफेनो कहता है गिव मी दाई हैंड आई डू बिगिन टू हैव ब्लडी थाट्स आओ हम लोग हाथ पकड़ते हैं सो so दैट uh, जो भी मेरे अंदर क्योंकि मेरे अंदर ब्लडी थाट्स आ रहे हैं बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मार देने वाले ओ किंगीफेनो ओ ओ पियर ओ लॉर्ड ओ वर्दी स्टीफेनो ट्रंकी वो लोग कहता है लुक वट अ वॉर्ड्रोब अब वहाँ पर वो बहुत ही सुंदर सुंदर सी गार्मेंट्स देखता है ठीक है आई एम वेरी पुअर एट ड्रॉइंग तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर सी गारमेंट्स देखता है पता नहीं क्या बनाए किसकी गारमेंट सी प्रस्पेरो ने जो जाल बिछाया है ये वही था तो क्यालिबान कहता है लेट इट अलोन उसको छोड़ दो यू फूल दिस इज़ बट अ ट्रैश ये बहुत ही मतलब ट्रैशी सी चीज़ है रबिश चीज़ है इसको छोड़ दो ट्रिंक्यूलो कहता है ओ नो मॉन्स्टर वी नो वट बिलोंग्स टू अ हमको पता है कि वो एक ओल्ड क्लोथ शॉप को बिलोंग करती है फ्रिपरी को बिलोंग करती है बट किंग स्टीफेनो इसको देखो स्टीफेनो कहता है पुट ऑफ दैट गाउन वो जो बड़ा सा गाउन है गारमेंट है उसको वहाँ से निकालो और मैं उसको पहन लूँगा जस्ट बिकॉज कि इनके कपड़े ऑब्वियसली गंदे हो गए थे पानी से मिट्टी से वो कहता है कि इसको निकालो मैं इसको पहन लूँगा तो ट्रिंकीुलो कहता है दाई ग्रेस शेल हैव इट येस ऑब्वियसली यू विल हैव इट कैलिबान कहता है द ड्रॉपसी ड्राउन दिस फूल भगवान करे डिजीज हो जाए इस फूल uh, को ट्रिंकीूलो को आई वुड आई आई वॉट डू यू मीन टू डॉट दज ऑन सच लगेज मीन्स वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है वाई आर यू सो मच फॉन्ड ऑफ सच लगेज ये जो गंदा सा कपड़ा है तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़ो मतलब ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू किल सम परसन पहले वो काम करो वो नहीं करें वहाँ सुंदर सुंदर कपड़े टंगे हुए हैं तो उसको देख रहे हैं सब शॉपिंग के क्रेज ही हैं यहाँ पर ठीक है लेट्स अलोन डू द मर्डर फर्स्ट और चलो हम लोग इसको छोड़ते हैं यहाँ से और पहले हम लोग उसको मार देते हैं अगर वो जग गया अगर प्रस्पैरो जग गया फ्रॉम टो सॉरी फ्रॉम टो पैर से लेकर के हेड तक क्राउन तक ही फिल आर स्किन विथ पिंचेस हम लोग को वो टाइनी टाइनी चुटकियाँ काट काट के टाइनी टाइनी पिंचेस करके वो हम लोग को परेशान कर देगा प्रोस्पैरो खुद नहीं करेगा वो एरियल या बाकी स्पिरिट से करवाएगा मेक अस स्ट्रेंज स्टफ़ और हम लोग को वो इतनी टाइनी पिंचेस देगा हम लोग के बॉडी पे फ्रॉम टो टू क्राउन कि हम लोग बहुत ही अनयूजअली बिहेव करेंगे ये कौन कहता है कैलेबान कहता है तो स्टीफेनो कहता है बी क्वाइट मॉन्स्टर शान बैठो मॉन्स्टर मिस्ट्रेस लाइन मीन्स दिस मैडम ट्री वो उससे पूछता है ट्री से पूछता है कि इज नॉट दिस माई जर्किंग क्या ये मेरे लिए नहीं है नाओ इज़ द जर्किंग अंडर द लाइन और अब मैंने उसको पहन लिया है नाव जर्किंग यू आर लाइक टू लूज़ योर हेयर और जस्ट बिकॉज क्या मैंने तुम्हें पहन लिया है तो ये जो तुम्हारे आ, जैसे बहुत सॉफ्ट सा गार्मेंट है तो उसमें जो भी उसके हेयर्स होते हैं वो सब झड़ जाएँगे एंड यू विल बी अ बाल्ड जर्किंग और तुम्हारा तुम बिल्कुल मतलब हेयरलेस हो जाओगे तुमको बिल्कुल भी यहाँ पर बाल नहीं होंगे ठीक है वो इसलिए भी कह रहा है क्योंकि यहाँ मतलब बोला जाता था कि अगर आप लाइन क्रॉस करो इन द सेंस इक्वेटर क्रॉस करो ट्रॉपिक्स को क्रॉस करोगे तो योर हेयर विल स्टार्ट लूजिंग एंड यू विल फेस सम सॉर्ट ऑफ डिजीज़ और आपके बाल जो हैं वो झड़ जाएंगे तो वैसे ही वो यहाँ पर एक रेफरेंस दे रहा है दिस आई हैव स्टडी ट्रिंक्यूलो कहता है डू डू करो करो इसको हम लोग पहन लेते हैं वी स्टील बाय लाइन एंड लेवल और हम लोग बहुत ही सही तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोग चोरी करते हैं इफ़ इट प्लीज इज यू और अगर वो आपको सही लगता है तो स्टीफेनो से कहता है स्टीफेनो कहता है आई थैंक दी फॉर दैट जोक स्टीफेनो को ये जोक बहुत पसंद आया हम लोग को नहीं आया आई थैंक दी फॉर दैट जो कि तुमने ये जो जॉक किया है उस वो बहुत ही uh, अच्छा था आई थैंक यू फॉर इट तो देयर इज अ गार्मेंट फॉर यू ऑल्सो क्योंकि वहां पर कुछ गार्मेंट्स रंगे थे तो वो कहता है कि इसमें से ये तुम्हारे लिए है विट शैल विट द क्विकनेस ऑफ माइंड की आप कितनी शार्पली कितनी इंटेलिजेंटली चीजों को uh, uh, समझते हो और रिप्लाई करते हो तो मेंटल शार्पनेस शैल नॉट गो अनरिवॉर्डेड मेंटल शार्पनेस जो है ट्रिंक्यूलो की वो स्टीफेनो उसको रिवॉर्ड करेगा वाइल आई एम द किंग ऑफ दिस कंट्री क्योंकि आई एम द किंग ऑफ दिस कंट्री ऑब्वियसली दिस आइलैंड ठीक स्टील बाय लाइन एंड लेवल ये बड़ा ही बढ़िया रिमार्क था वो कहता है दिस वॉज एक्सिलेंट विटी रिमार्क अनादर गमेंट फॉर इट एंड यू हैव दिस अनदर गार्मेंट फॉर यू तो ट्रिंक्यूलो कहता है मॉन्स्ट कम पुट सम लाइम अपॉन योर फिंगर्स एंड अवे द रेस्ट कि थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस अपने हाथ पर लगा लो ट्री या जहाँ से भी निकलता हो तो उसको लगा लो स्टिकी और ये सारे जितने भी गारमेंट्स हैं उनको अपने साथ ले कर चलो उनको अपने हाथों में चिपका लो और यहाँ से ले कर चलो तो क्यालिबान कहता है आई विल हैव नन मैं इसमें से एक भी नहीं लूँगा वी शेल लूज़ आर टाइम हम लोग यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एंड ऑल बी टर्नड टू बार्निकल्स और हर कोई को बारिक मतलब प्रोस्पैरो हर किसी को कैसे बना देगा बार्निकल्स जैसा शे होती है, कुछ shellfish, हैं कुछ शेल फिश अजीब सी लग रही है हमको भी तो इन्हीं के लिए बोला गया है कि ये प्रोस्पैरो हम लोग को या तो बारनिकल्स ये जो शेल फिश होती हैं वो या फिर एप्स मंकी जैसा बना देगा विथ फोर हेड्स विलेनियस लो और ऐसे फोर जो कि हमेशा ऐसे करके नीचे ही देखते रहते हैं ठीक है विलेनियस विलेन मतलब विलन के जैसे जो होते हैं वो हमेशा नीचे ही देखते रहते हैं तो प्रस्पेरो हम लोग को ऐसा बना देगा अगर हम लोग यहाँ पर रुक गए और उसने हम लोग को देख लिया स्टीफेनो कहता है मॉन्स्टर ले टू योर फिंगर्स हेल्प टू बियर दिस अपने फिंगर्स में इसको पकड़ो और हम लोग को हेल्प करो इसको ले जाने की अवे वेयर माई हॉग हेड हॉग्स हेड ऑफ़ वाइन इज़ वहाँ पर इसको ले चलो जहाँ पर मेरी वाइन का बड़ा सा बैरल है ठीक वहाँ तक इसको ले चलो एंड आई टर्न यू आउट ऑफ माई किंगडम नहीं तो मैं तुम्हें अपने किंगडम से बाहर निकाल दूंगा जो किंगडम अभी स्टीफेनो का हुआ भी नहीं है उसके लिए वो इतना बोल रहा है तो ट्रिंकीूलो कहता है और ये भी ले चलो मतलब ये जो और गवर्नमेंट है ये भी ले चलो स्टीफेनो कहता है और ये भी ले चलो सारे के सारे ले चलो तो बहुत सारे वहाँ पर हंटर्स की आवाज़ आती है ठीक हंटर्स की और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स आती हैं इन द शेप ऑफ डॉग्स एंड हूं डॉग्स एंड हाउंड्स के जैसे हाउंड्स इज़ अ ब्रीड ऑफ़ डॉग्स वो भी डॉग्स के जैसे ही दिखती है एंड दे हंट व्हाट दे डू बहुत सारे डॉग्स बहुत सारे हाउंड्स आते हैं इनके पीछे स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो और क़ैलबान के पीछे और वो उनको चेज करते हैं ठीक है प्रोस्पेरो और एरियल सेटिंग ऑन और प्रोस्पेरो और एरियल इनके पीछे इन डॉग्स को और हाउंड्स को छोड़ देते हैं तो प्रोस्पेरो कहता है आ, हे माउंटेन हे एरियल कहता है सिल्वर ये सब नाम है उन्हीं स्पिरिट्स के डॉग्स के और हाउंड्स के एरियल कहता है सिल्वर आई देयर इट गोस कि वहाँ वो जा रहा है उसको पकड़ो प्रोस्पैरो कहता है फरी फरी ये भी एक नेम है वहाँ वो जा रहा है टायरेंट उसको पकड़ो हार्क लिसन हार्क और मतलब सुनो सुनो वो लोग वहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं जितनी भी इनकी आवाज़ें हो रही हैं तो कैलेबान स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो वहाँ से भाग जाते हैं ठीक है कैलेबान कहता है गो चार्ज माई गॉबलेंस गॉबलेंस कौन होते हैं मिसचिवियस अगली क्रिएचर्स एक होती है गुड स्पिरिट जैसे कि एरियल है और एक होती है बैड स्पिरिट्स जैसे कि बाकी जो स्पिरिट्स होती है उनके लिए बोला गया है ठीक है एक रेफरेंस के लिए पिक्चर देख लो ऐसे करके होते हैं बहुत ही है, अगली से मिसचिवियस से होते हैं तो प्रस एरो कहता है दैट गो चार्ज माई गॉबलेंस मेरे चार गॉबलेंस को कमांड मेरी स्पिरिट्स को कमांड करो कि वो इनके जॉइंट्स को ग्रेंड कर दें टॉर्चर करें इनको विद ड्राई कन्वर्जेंस मतलब उनके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर दें उनके मसल्स स्न्यूज़ होते हैं कुछ फाइबर लाइक -like सब्सटेंस होते हैं जो मसल्स को बोन्स को जोड़ के रखते हैं यहाँ पर हमने अभी सिर्फ मसल्स लिखा हुआ है जो मसल्स यहाँ पर लिखा है कि शॉ उनके मसल्स को शॉर्ट करते हैं विथ एज्ड क्रैम्प्स जैसे बूढ़े लोग क्या होते हैं वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं उनके घुटनों में जोड़ों में बहुत दर्द होता है तो वैसे ही करके एंड मोर पिंच स्पॉटेड उनको बहुत ज़्यादा पिंचेस दो उनको कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पड़ जाएं उससे ज़्यादा जितने की लेपर्ड और वाइल्ड कैट ऑफ द माउंटेंस के होती हैं उससे ज़्यादा उनके बॉडी पर स्पॉट्स होने चाहिए तो एरियल कहता है हार्क दे रोड सुनो वो लोग स्क्रीम uh, कर रहे हैं दे आर स्क्रीमिंग विथ पेन प्रस्पेरो कहता है लेट देम बी चेंज्ड अवे साउंडली उनको मतलब uh, uh, पीछा करने दो डॉग्स और हाउंड्स को पीछा करने दो इन तीनों का और इनको मर्सिलेसली परेशान करें ये लोग जाने दो इन लोगों को एट दिस आर इस समय पर लाई एट माई मर्सी ऑल माई एनिमीज़ मेरे जितने भी एनिमीज़ हैं वो सब मेरे मर्सी पर हैं अगर मैंने दया किया तो वो बचेंगे दया नहीं की तो वो नहीं बचेंगे शॉर्टली shall ऑल माई लेबर्स एंड जितना मैंने आज तक बारह सालों में इन दिस आइलैंड ऑन दिस आइलैंड जितना भी मैंने काम किया है हार्डवर्क किया है वो सब खत्म हो जाएगा एंड दाव दाव यहाँ पर कौन है एरियल ठीक एरियल शैल हैव द एयर एट फ्रीडम और एरियल भी फ्री हो जाएगा फॉर अ लिटिल शॉर्ट टाइम फॉर थोड़े समय के लिए फॉलो करो और मुझे सर्व करो एंड डू माई सर्विस एंड दे बोथ लीव ठीक आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल एक्ट फोर नहीं समझ में आया है फिर से पढ़ो पूरी जो भी ये दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको देख लेना फिर से पढ़ो नहीं कुछ समझ में आता है कोई लाइन कोई वर्ड कोई सेंटेंस कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं मिलता है please mention it in the comment box and we'll surely gonna work on it okay till then just be your best thank you <laughs>